हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कितनी अच्छी हमारी संडे की शुरुआत हो रही है ना गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग धात्री गुड मॉर्निंग अर्चित गुड मॉर्निंग चैतन्य आई होप यू ऑल आसर जस्ट गिव मी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शिवम ए सी सी ए गुड मॉर्निंग निधि गुड मॉर्निंग दीपक गुड मॉर्निंग अमीर यार इतने गुड मॉर्निंग विग्नेश गुड मॉर्निंग जतन हाय दशिका हेलो मैम कैन यू पुट द रिवर्शन ऑफ एन आई टू बी सून आउट डोंट वरी ऑन दैट गुड मॉर्निंग तर्शा समुद्राला आदित विशाल आनंद खुशबू राधे राधे ज्योति गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे बाप रे चलो एक बार फटाफट से मुझे कंफर्मेशन दो दैट आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल यस द नेटवर्क बिटवीन आस इज ऑल क्लियर यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों हाँ विराट कोहली इज आल्सो बैक कुछ लोगों के नाम ना ज़हन में बैठ जाते नहीं भूलते आई डोंट नो व्हाट हिज रियल नेम इज फिर थोड़ा सा बता देना ना व्हाट योर एक्चुअल नेम इज विराट कोहली तो नहीं है इतना तो मुझे लगता है गुड मॉर्निंग बच्चों class Master thank you seeing you always gives me happiness and coming and chatting with you all actually gives me happiness the best day to start is to come and sit live with the students right? thank you ma'am for giving us time your time to us for this purpose yes okay thank you for the confirmation that it's all clear Sha yes we will start the session and uh, आज का सेशन का जो एजेंडा है हमारा विल कीप इट इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट इवन इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर सम रीज़न ऐसा तो नहीं होगा कोई भी कि वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है बट इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर सम रीज़न डोंट वरी ऑन दैट वॉट एवर आंसर राइटिंग टिप्स या जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड राइट आई एम वेरी वेल और माई नेम इज़ साई आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र थैंक यू सो मच ओके साई Nice teaching style. Okay, thank you, Bachro. Uh, let's uh, begin with the session. Today, our agenda is to learn how to write answers in law. Basically, this is the most underrated and overrated question, I would say, at the same time. Hannah. तो इसको बहुत सारे लोग एकदम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि आई हैव रेड दी एंटायर थिंग एंड आई डोंट नीड टू लर्न आंसर राइटिंग आई एल सिंपली गो एंड राइट आंसर्स नो प्रॉब्लम एंड सम स्टूडेंट्स गिव इट सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस कि मैम याद तो हो जाता है लिख नहीं पाते हैं मतलब पढ़ लेते हैं समझ आ जाता है बट वी डोंट नॉट नो हाउ टू राइट आंसर्स सो आज इसका एक सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ आपके पास एंड ऑल यू हैव टू डू इज सिट विद पेपर एंड पेन है ना पेपर और पेन लेके बैठने जाना लिखना है जो भी मैं आपको कहूंगी साथ साथ राइट नाउ वन मोर थिंग बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो क्योंकि मैंने यहाँ पे कोर्स नहीं लिखा है सो सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैम इज इट ट्वेलवें फॉर सी एम ए फाइनल इज ट्वेलवे फॉर सीएम ए इंटर इज इट ट्वेलवेंटर इज इट ट्वेलवेंट फॉर सी ए फाउंडेशन सो इट इज रेलिवेंट फॉर ऑल क्या बात है मैम एक ऐसा सेशन जो सब पे अपलीकेबल है yes. यू ऑल आर स्टार्टिंग लॉ दिस इज रेलिवेंट फॉर ऑल इन फैक्ट आई हैव पिक्ड अपन आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको दिखाती भी हूं देखो आई हैव पिक्डअ क्वेश्चन विच इज रेलिवेंट फॉर ऑल दीज फोर कोर्सेज सो अटेंड द सेशन थ्रू आउट एंड इट्स गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुलर यू ट्रस्ट मी ऑन दैट ओके बट बिफोर वी बिगिन आई होप यू ऑल हैव लाइक् वो तो जरूरी है ना यार तो एक लाइक बनता है एंड एवरी वन एक मिनट प्रेजेंटेशन इज ऑफ येस मैम सेम प्रॉब्लम याद है बट लिख नहीं पाते टूडे विल सॉल्व ऑल द प्रॉब वारी ओके बट यू हैव टू लिसन टू बी वेरी केयरफुल यू हैव टू कीप नोटिंग द पॉइंट्स विच यू कंसिडर इम्पॉर्टेंट कि हाँ ये पर्टिक्यूलर पॉइंट आई मिस्ड आउट बिफोर देर माइट बी सम जेनरिक पॉइंट्स विच यू ऑलरेडी नो बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी बिकॉज आई एम केटरिंग टू ऑल सेट ऑफ स्टूडेंट्स राइट सो हियर आई बिगेन ठीक है ग्रेट चलो आई होप व We are all good to begin the session. So, subsequently, one more thing. As you all can see, I have with me this PDF where I have written a lot of things and where we are going to practice the questions also. So, this particular PDF you will get after the session ends via Telegram. Right now, all you can do is sit with a paper and pen and keep writing. Okay. Baki PDF meeting points. You do not need to note these points. This you'll get. पीडीएफ विल बी श्योर एट द एंड ऑफ द सेशन टेलीग्रामो ओके सो योर वी बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वी ऑल नो दैट इन आर एग्जामिनेशन पेपर वी हैव सर्टन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वी हैव सर्टन सब्जेक्टिव क्वेश्चन वी आर कंसर्न अबाउट दिस पर्टिक्युलर पार्ट की जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेदर इट इज ऑफ थ्री मार्क्स फोर मार्क्स फाइव मार्क्स सिक्स मार्क्स और सेवन मार्क्स राइट तो वो जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाउ डू वी आंसर दैट वो क्वेश्चन कैसे होते हैं दे आर डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो एंड दे आर केस बेस्ड ऑल्सो वॉट आर केस बेस्ड क्वेश्चन विच हैज सिचुएशन यू हैव टू इंटरप्रेट दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूशन बेस्ड ऑन वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है ना तो उसके बेसिस पे आपको करना होता है ठीक है अब पहली बात यू हैव टू रिमेंबर कि आपको मार्क्स किस चीज के लिए दिए जा रहे हैं यू आर बींग गिवन मार्क्स फॉर योर कंटेंट for your neatness i would say and for your presentation Mam Ma neatness kibi maximum is the hani to the examiner will not be able to identify i'll ask you one simple question before we actually begin with the session i have written three words over here Although इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं शिवांगी लिखे हुए हैं द फर्स्ट वन ऑल्सो द सेकेंड वन ऑल्सो एंड द थर्ड वन ऑल्सो विच वन डू यू लाइक द बेस्ट और द मोस्ट तीन नाम यहां पे मैंने लिखे हुए हैं मतलब तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं द नेम इज ओनली रिटन तीन तरीके से लिखे हुए हैं दैट आई कैन से आप लोगों को क्या लग रहा है वुच वन इज द बेस्ट वच वन डू यू फाइंड द बेस्ट किसको हम लोग रेट करेंगे न, uh, कि ये सबसे अच्छा है ये उससे खराब है ये उससे खराब है वेल इफ यू आस्क मी आई वुड से कि दिस इज नंबर वन दिस इज नंबर टू एंड दिस इज नंबर थ्री भाई समझ में तो तीनों में आ रहा है बट आई कैन से दिस इज गुड दिस इज एवरेज एंड दिस इज बैड आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हो

बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव एन एसोसिएटेड डिस एडवांटेज क्या होता है अगर हम कोई भी चीज लिखेंगे जैसे यूजली क्या होता है बहुत सारे बच्चे आपने पहले देखा होगा कि ट्रू और फॉल्स आता है तो उसको भी इस तरीके से लिख देते हैं कि वो समझ नहीं आता है कि बच्चे ने ट्रू लिखा या फॉल्स लिखा है एग्जामिनर ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज तो ये एडवांटेज मिलता है वेन यू हैव अ बैड हैंडराइटिंग क्या लिख रहे हैं एग्जामिनर बहुत स्ट्रगल कर रहा है बट एट द सेम टाइम इट है डिसडवांटेज ऑल्सो एग्जामर एंस अनएबल टू अंडरस्टैंड की आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है सो सामबडी हू हैज अ गुड हैंड राइटिंग इज ब्लेस्ड विद दिस पार्ट कि नीट तो होगा आपका पेपर एंड एग्जामिनर विल ईजिली भी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है सो so, वो इरिटेट कम होंगे और आपको बेहतर मार्क्स दे सकते हैं एट द सेम टाइम इफ यू हैव बैड हैंड राइटिंग टिप आई वुड गि यू इज अंडरलाइनिंग अंडरलाइनिंग इन जनरल इज नॉट इंपॉर्टेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम पेपर पर अगर आपकी हैंडराइटिंग ना वो थर्ड कैटेगरी वाले पे फॉल कर रही है कि यार बहुत ज्यादा खराब है देन यू मस्ट अंडरलाइन वॉट यू शुड अंडरलाइन अंडरलाइन द लिमिट्स अंडरलाइन वॉट यू वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू ठीक है जैसे अगर आपसे पूछा गया कि वॉट इज अ स्मॉल कंपनी तो आपको स्मॉल कंपनी को कैसे अंडरलाइन करना होगा कि हा कंपनी हु पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड वो एक अंडरलाइन कर दिया डज नॉट तो एग्जामिनर का अटेंशन क्या हो जाए वहां पे ड्रॉ हो जाए ठीक है सो टिप नंबर वन इज अंडरलाइनिंग रिक्वायर्ड ओनली इन केसेस यू हैव अ बैड हैंडराइटिंग अदरवाइज यू डोंट नीड टू अंडरलाइन ठीक है अंडरलाइनिंग में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है ठीक है अब मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी जनरल पॉइंट विल कम टू इट लेटर केस बेस्ड क्वेश्चन ओके okay. आपसे अक्सर यह बोला गया होगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन हैज टू बी डिवाइडेड इनटू फोर पैराग्राफ्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द प्रोविजन सेकेंडली यू राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन थर्डली यू राइट एनालिसिस और कंपैरिजन एंड लास्टली यू कंक्लूड द आंसर कंक्लूजन आप लिखो वॉट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन वेन यू आर बींग गिवन अचुएशन मान लीजिए आपको कोई भी सिचुएशन दी हुई है लाइक आई हैव यद मी वन क्वेश्चन नवीन इनकॉर्पोरेटेड अ वन पर्सन कंपनी मेकिंग हिस्स सिस्टर नविता एज द नॉमिनी navata is leaving india permanently due to her marriage abroad due to this fact she is withdrawing her consent of nomination in the said opc taking into consideration the provisions of companies act answer the questions given below then we thereafter we have

फ होल्ड नो स्टेप मार्किंग यस तो स्टेप मार्किंग हमें किस पे मिलती है पहली प्रोविजन पे और दूसरी कंक्लूजन पे तो so, मतलब मैम ये दोनों पैराग्राफ हमें नहीं लिखने हैं वी जस्ट हैव टू स्ट्रेट अवे राइट द प्रोविजन एंड देर आफ्टर कंक्लूड येस शी कैन विदड्रॉ नॉमिनेशन और वॉट एवर इट इज फर्स्ट द प्रोविजन एंड सेकंड द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अब प्रोविजन ये हमारा कंक्लूजन है क्या बस हमें यही करना है 95 of the cases में आपको यही करना है ठीक है पांच परसेंट केसेस ऐसे होते हैं वेन यू नीड टू एनालाइज सर्टन थिंग्स, जब थ्योरी में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है यू नीड टू कैलकुलेट समथिंग, कोरम निकालना है या चेक करना है वेदर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है तो कुछ केसेस में हमारा क्या होता है एनालिसिस की जरूरत होती है क्या हो गया भाई इज देर एनी क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आस्ड एक बार आप चेक करना लास्ट सेशन से रिलेटेड आई विल टेकअप लेटर ठीक है तो अभी हमारा फ्लो हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं प्लीज लिसन टू बी वेरी केयरफुल आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेल यू ओके तो ये इन जनरल बात है विच मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग हाँ केस बेस्ड क्वेश्चन दिस इज द वे हाव वी अटेम्प्टेड राइट नाउ सबसे पहली बात बेस्ट आंसर फर्स्ट ये भी आपको शायद पता होगा कि यार मैम सबसे पहला फर्स्ट फाइव मिनट और फर्स्ट थ्री फोर मिनट इवन इफ यू हैवन स्पेंड एनी टाइम वट यू शुड डू स्पेयर दैट टाइम और उसके बाद पूरा पेपर का एनालिसिस कर लेना चाहिए कि कौन सा सबसे ईजी आंसर है मेरे लिए वो आंसर पिक करेंगे और वो आंसर क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे क्यों वो आंसर सबसे पहले लिखेंगे एग्जामिनर हमें जानता ही नहीं है एग्जामिनर अगर हमें जानता होता ना तो वो समझता अरे अरे ये तो बड़ा अच्छा बच्चा था इससे ये क्या गलती हो गई कुछ भी वो समझते कुछ भी एक माइंडसेट लेके चलते अभी वो हमें जानते नहीं दिस इज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन तो हमें उनके ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ना है आप कभी किसी से पहली बार मिलते हो और कोई क्रीपी सा इंसान आपके पास आ जाए और अरे सर कैसे है ये वो आप क्या सोचो इससे दोबारा नहीं मिलना है मुझे

ठीक है तो आपको एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना है एंड सो बेस्ट आंसर फर्स्ट चूज एंड राइट इट हमेशा जब आपको एग्जाम में आंसर लिखना है यू हैव टू राइट ओवर हियर आंसर वन ए प्लीज डोंट राइट ओवर हियर ऑन लेफ्ट मार्जन्स राइट मार्जन्स कहीं नहीं लिखना है सेंटर में लिखना है सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल ऑल पार्ट्स ऑफ द आंसर हैव टू बी टुगेदर वन ए वन बी वन सी जो भी है आपका आप क्या करोगे ऐसे लिखोगे और वो कंप्लीट कर दोगे सपोजिडली आप यहां पर एक आंसर लिखना शुरू कर रहे हो आपने चार लाइन्स लिखी आपने देखा कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेवन मार्क्स अगर सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम टाइम दैट आई शुड टेक शुड बी अराउंड ट्वेल्व मिनट्स है ना तो थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना है ऑब्वियसली यार आप एवरी नाउ एंड देन यू कैन नॉट सी टाइम अरे इतना टाइम हो गया अरे एक मिनट बचा इस क्वेश्चन में तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं पर फिर भी थोड़ा माइंडफुली हमें काम करना होगा वी हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ यार इससे ज्यादा नहीं जाना है तो अगर लगभग सेवन मार्क का क्वेश्चन है तो हमें देखना है कि दस बारह मिनट तेरह मिनट उससे ऊपर हमें नहीं जाना है एट एनी कॉस्ट ठीक है तो क्या हुआ अब हम लिख रहे हैं अगर एक दो मिनट लग रहा है तो गो ए एंड फिनिश द आंसर इट्स एडवाइजेबल बट अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एंड यू आर स्टिल थिंकिंग और क्या था और क्या था लीव सम स्पेस एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज लीव सम स्पेस इट्स कंप्लीटली ओके लास्ट में अगर ऐसा हुआ ना कि कुछ नहीं लिख पा रहे बस ऐसे करके स्ट्राइक कर देना ठीक है नहीं भी करोगे तो भी चलेगा एग्जामिनर खुद स्ट्राइक कर देंगे ठीक है बट लीव दैट स्पेस एंड मूव ऑन Okay, so you keep in mind the deadline. Ugly cheese men you Question numbers Question numbers in the center keep in mind maximum time that can be devoted that can be devoted to a question. Okay, keep in mind the maximum time that can be devoted to a question. So you have to allot time for each question and keep in mind that. Right? Okay. Now, how many of you write like this? What have I written? Come on, anyone who can tell me, these are the two words that I have written. What have I written? Mom, isn't there any problem in breaking the sequence? Some say do in sequence only. No. There is absolutely no problem in breaking the sequence. You can write question three first and then question two, question four. That is not the problem at all. The problem comes where you break the parts. Ki question 4a and question 4b king. That is the problem. Okay. And no, nothing is that is compulsory, but it's advisable that you keep it in center only. Okay. फाइन सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये इसका मतलब है एम्प्लॉ और इसका मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना हाउ मेनी ऑफ यू राइट दैट वे इन योर आंसर्स नहीं लिखना है ये योर ये सब नहीं करना है ये व्हाट्सएप लैंग्वेज एंड दीज एब्रीविएशन आर नॉट सपोज टू बी रिटर्न इन एग्जामिनेशन वॉट यू कैन यूज और वॉट यू कैन राइट इज आर ओ सी एन सी एल टी एजीएम एंड ई जी एम इज ऑल्सो फाइन ठीक है ये अलाउड एब्रीविएशन होते हैं दीज एब्रीविएशन यूज इन योर एग्जामिनेशन ये सारे abbreviations आप नहीं यूज करोगे डायरेक्टर्स बट आप सिंपली बोर्ड लिख लो आप डायरेक्टर्स लिख लो इट मीन द सेम राइट सो यू हैव टू कि हमें एब्रीविएशन यूज नहीं करने हैं ओके नाउ आई कम बैक टू द actually move आई the

इसको हम चार नंबर देने वाले थे अरे गलत सेक्शन दे दिया ये तो कहां जा रहा है इसको क्या करो साढ़े तीन ही दे दो ठीक है सो नेवर कोट इन करेक्ट सेक्शन नंबर्स यू हैव टू कोट सेक्शन नंबर्स दे एनहांस योर आंसर दे डेफिनेटली एड अप मोर वैल्यू टू योर आंसर्स बट इफ यू कोट इन करेक्ट सेक्शन नंबर्स तो वो ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है ठीक है सो कोट इट ओनली इफ यूर हंड्रेड परसेंट श्योर मैम व्हाट इफ वी डू नॉट नो सेक्शन नंबर्स हमें याद ही नहीं है तो हम कैसे अपना आंसर शुरू करेंगे बिकॉज वी आर राइटिंग यू कंक्लूड तो पहले हमें कंटेंट लिखना है प्रोविजन लिखना है और उसके बाद हमें उसको कंक्लूड करना है तो ये प्रोविजन की शुरुआत हम कैसे करेंगे तो मैंने आपके लिए ना बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बिकॉज हम हमेशा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज़ एक्ट क्या होता है एग्जाम में थोड़ा सा लगता है अरे यार बच्चे में वो बात नहीं है है ना तो वो बात लाने के लिए वॉट वी कैन डू इज़ इट विल हार्डली टेक अ मिनट If you remember section number, these are various ways. These are this is not an exhaustive list. Your own way You very easily. But there are begin. You answer in accordance with, according to section 8 of Companies Act states that the given problem relates to section 8 of Companies Act. As per the provisions of section 8, section 8 of Companies Act empowers CG to revoke. Section 8 of Companies Act provides for. सो देअर आर वेरियस वेज बट मैम ये तो वो केसेस है ना जब हमें सेक्शन नंबर याद है वॉट वी डो नॉट रिमेंबर द सेक्शन नंबर वेल इफ यू डोंट रिमेंबर द सेक्शन नंबर यू कैन ऑलवेज बिगेन लाइक द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ मेड इन दिस रिगार्ड तो ये थोड़े से कुछ तरीके हैं फ्रॉम हाउ यू कैन स्टार्ट योर आंसर ठीक है सो सेक्शन नंबर्स तभी हम कोट करेंगे व्हेन वी रिमेंबर इट वेरी क्लियरली ठीक है ऑलवेज फोकस ऑन प्रोविजन एंड कंक्लूजन इन द केस स्टडीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो एंड केस बेस्ड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं जैसे सिंपली आपसे पूछा गया है हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ सेक्शन एट कंपनी हाउ यूल बिगिनर्स फॉलोइंग इज द प्रोसीजर इनकॉरपोरेशन ऑफ सेक्शन एट कंपनी ठीक है और उसके बाद वॉट यू डू एज राइट योर आंसर इन पॉइंट ट्रस्ट मी मैं जब ये बोल रही हूं ना हम लोग इतने बड़े हो गए हैं जब हम लोग बहुत छोटे थे मे बी वेन वी वो फाइव ईयर सिक्स ईयर ओल्ड एंड देन वेन वी यूज टू रीड इट तो हम कैसे पढ़ते थे रेमेम्बर यू विल बी उ यू यूज टू रीड है ना अब हम कैसे पढ़ते हैं हम ये पूरा पढ़ते ही नहीं हमने एक साथ हम इतने वर्ड्स को कैच करते हैं एंड प्रोड्यूस इट्स मीनिंगर ऑल्सो रीड वर्ड बाय वर्ड एग्जामिनर कभी भी आपका आंसर यार इतने लंबे लंबे आंसर लिखे इतनी कॉपीज चेक करी कौन वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहा है मतलब हम बिना पढ़े कॉपियां चेक हो रही है तो स्कैम हो रहा है कोई स्कैम नहीं हो रहा है ठीक है पढ़ रहे हैं बट कैप्चरिंग मोड से पढ़ रहे हैं दे आर नॉट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट गिव दिस लॉन्ग पैराग्राफ एंड इरीटेट द एग्जामिनर छोटी छोटी बातें लिखी उन्होंने देखा अच्छा दिस पॉइंट इज रिटन दिस पॉइंट इज रिटन राइट सो जितना हो सके कीप इट इन शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड इन पॉइंट्स वेदर इट इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और इट इज अ केस बेस्ड दोनों में से कोई भी हो पॉइंट्स में लिखना है ठीक है अब पॉइंट्स में लिखने में भी एक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन वन ए यहां पे लिखा है फिर यहां पे ए लिख दिया बी लिख दिया नाउ दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दिस इज वन ए और इट इज विद इन दैट क्वेश्चन वन ए में ए कोई पॉइंट है तो ऐसी सिचुएशन में माई सिंपल एडवाइस वुड बी डोंट यूज दीज डोंट यूज दीज इंस्टेट यूज बुलेट्स बस ऐसे कर लो ना जल्दी जल्दी हो जाएगा ठीक है तो अगर यू हैव टू लिस्ट डाउन सर्टन थिंग्स और यू हैव यूर जस्ट राइटिंग स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बस ऐसे ऐसे लिख लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट ओके सो यूज बुलेट्स इंस्टेंट नाउ देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो ये भी बोलते हैं मैम प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं उसमें कोई शर्म की बात नहीं इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज सो हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो स्पेसिफिकली इंग्लिश और वीक एट और यू इनकर टेन टू इनकर अट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो कौन है ऐसा क्या आपके साथ भी यह प्रॉब्लम फेस होती है दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बट यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन टू वर्ड्स क्यू बिकॉज यू आर वीक इन इंग्लिश राइट सो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए पॉइंट नंबर वन एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द प्रोविजन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वाई बिकॉज द इंटेंडेड मीनिंग शुड नॉट चेंज ठीक है पॉइंट नंबर टू जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं लाइक like, ऐसे किसी ने लिख दिया रेक्टिफिकेशन इट इज एन इनकरेक्ट स्पेलिंग बट क्या इसके लिए मार्क्स कटेगा द आंसर इज नो सो बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए इंस्टीट्यूट कट डो मार्क्स तो इतना चिंता मत करो ये और मेरे तो स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है डोंट वरी ऑन दैट बट 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 इंटेंडेड मीनिंग शुड नॉट चेंज आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट

in which not less than 51% can i write it numeric the answer is yes you can write it numeric koi problem. Aap fifty-one percent. Aise sakte, usme koi company in which not less than 51% of paid up share capital paid up share capital is held by is held by then try to write in points is held by central government is held by state government or partly by central government and partly by state government now the problem is the ones who are not very good in english they might have a problem not less than 51% well instead of this you can simply write at least 51% the intended meaning remains the same or uh, maybe you can write in which 51% or more of share paid up share capital is held by but प्रॉब्लम कब आती है जब बच्चे ये भूल जाते हैं यू फॉरगेट दिस नॉट लेस आप भूल गए स्टूडेंट्स आर राइटिंग कंपनी इन विच फिफ्टी वन परसेंट कैपिटल इज हेल्ड बाय फिफ्टी वन परसेंट कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट यह लिख दिया आपने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको लगता है कि आपको फुल मार्क्स डिजर्व करते हैं नहीं क्योंकि आपने लॉ के बहुत सारे इंटेंडेड मीनिंग को बदल दिया 51 मतलब आपके हिसाब से इफ 51 परसेंट कैपिटल इज हेल्ड देन ओनली इट विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी 52 परसेंट कैपिटल इज हेल्ड देन इट विल नॉट बी अ गवर्नमेंट कंपनी तो ऐसा थोड़ी ना है एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल तो ये पेड अप शेयर कैपिटल ये दिस इज द कीवर्ड इसको सिर्फ कैपिटल मत कर दो गवर्नमेंट नहीं समझ में आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है स्टेट गवर्नमेंट अलग है उनका कॉम्बिनेशन अलग है राइट और जॉइंटली पार्टली बाय पार्टली बाय वो को आप जॉइंटली लिख सकते हो दैट इज फाइन सो यू कैन इनकॉर्पोरेट योर वर्ड्स आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो समझ के बट द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटेंडेड मीनिंग कभी भी गलत नहीं होना चाहिए फॉर सी ए स्टूडेंट्स आई वुड से यूज ब्लैक पेन ओनली फॉर सी एम ए यू कैन यूज बोथ ठीक है चल ओके Moving to the next point. Do not use your own abbreviation. That is something that I've already told you. Remember, you will be awarded marks for the content you write and not your handwriting. So just ensure crisp provisions with neat presentation. So yemen me already, but somebody with a very poor handwriting, try to underline all others. Don't focus a lot on hand handwriting. Wo honi neat presentation on And for neat presentation, it is very important that you leave spaces. and And we are trying to incorporate it over there. But we do not.

लगता है यार रिवाइज करके कुछ कभी मिलता नहीं है गलतियां बट ट्रस्ट मी एक क्विक रिव्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है ओके okay? ठीक है मैम तो हमें समझ में आ गई इतनी बात कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन है अगर डायरेक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है हम शुरू करेंगे और पॉइंट्स में लिख देंगे अगर केस बेस्ड क्वेश्चन है सो द फर्स्ट पैराग्राफ हैज टू बी प्रोविजन अगर हमें उसका रेलिवेंट सेक्शन याद है दस तरीके से नहीं याद है तो इस तरीके से द सेकेंड पार्ट कंक्लूजन हाउ टू कंक्लूड इन फाइव परसेंट ऑफ केसेज एज आई टोल्ड यू यू नीड अ सेकेंड पैराग्राफ ऑल्सो विच इज एनालिस ठीक है फाइव परसेंट टेन परसेंट केसेज लाइक जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया यू वॉन्ट टू चेक इफ दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट और इफ दिस इज अब्सिडियरी और नॉट और इफ दिस इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट वेर यू माइट हैव टू कैलकुलेट और यू माइट हैव टू से नहीं नहीं इस कंपनी का टर्न ओवर सिंस इट इज एक्सीडिंग फोर्टी करोर्स

टू सिचुएशन दैट इन द गि सिचुएशन एम एन पी प्राइवेट लिमिटेड पेड अप कैपिटल इज विद इन द अब लिमिट हाउ एवर इन एक्सीज फोर्टी करोस इट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज ए स्मॉल कंपनी मान लेते हैं ठीक है तो यहां पर हमने क्या किया वी हैव कंबाइंड द एनालिस वेन्द द प्रोविजन इज सेल्फ एक्सप्लेनेट्री ठीक है तो हमने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ में एनालिसिस और कंक्लूजन को कंबाइन कर दिया ठीक है अगर एनालिसिस बहुत ह्यूज होता है लाइक समटाइम्स यू नीड टू कैलकुलेट एंटायर कोरम कि ये इंक्लूड होगा ये नहीं होगा देन द एनालिसिस गेट्स ह्यूज एंड इन दैट केसेस एनालिसिस पे भी आपके नंबर होते हैं बट दैट इज ओनली फाइव परसेंट ऑफ द Questions. मतलब पांच परसेंट ऐसे होंगे so की क्या करते हैं भाई? Answer लिख दिया. Conclusion लिखना ही भूल गए राइट कंक्लूजन यार कंक्लूजन पे नंबर थे और सीधे सीधे पूरा पूरा एक नंबर था आपने प्रोविजन भी सही लिख दिया बट लास्ट में आपने कंक्लूड करना भूल गया

क्लूजन और वी शुड स्टार्ट विद मेन कंटेंट यह भी एक दिक्कत वाली बात है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया जैसे यहीं पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एंड इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विदड्रॉ हर नॉमिनेशन ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो हाउ शुड वी स्टार्ट येस इट इज मैंडेटरी और वी शुड राइट द प्रोविजन फर्स्ट एंड लास्टली इन व्यू ऑफ अबव येस इट इज मैंडेटरी तो हमें क्या करना चाहिए वॉट इज द करेक्ट अप्रोच दैट शुड बी डन य क्या किया मैंने व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच दैट शुड बी फॉलो सी देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगेन एक होती है जो बड़ी केस स्टडीज होती है और एक होती है जो छोटी केस स्टडीज होती हैं लाइक मे बी दिस वन जिसमें अलग अलग हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप की केस स्टडी में यू कैन स्टार्ट विद कंक्लूजन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट येस इट इज मैंडेटरी और नो इट इज नॉट मैंडेटरी टू विदड्रॉ हर नॉमिनेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग या फिर इन व्यू ऑफ द या फिर यू कैन राइट द प्रोविजन ऑल्सो सो यहाँ पे आपकी चॉइस पे है यू कैन स्टार्ट बोथ वेज एंड यूल गेट आंसर बट इन केस ऑफ लॉन्ग केस स्टडीज इट इज एडवाइजबल एंड मैं बोलूँगी हंड्रेड परसेंट कोशिश यही करो दैट फर्स्ट यू राइट द प्रोविजन एंड लास्टली यू कंक्लूड बट डोंट फगेट द कंक्लूजन कंक्लूजन लिखो जरूर ठीक है यहां पे भी इफ यू कैन फर्स्ट राइट द प्रोविजन एंड देन कंक्लूड इट्स इवन बेटर बट यहां पे आप कंक्लूजन से भी बिगिन करोगे स्टिल यू विल गेट गुड मार्क्स नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है यस ऑफ कोर्स यू कैन स्किप वन लाइन आफ्टर द पैराग्राफ इनफैक्ट आई वुड एडवाइस किया छोड़ दो ठीक है एक लाइन लिखो और उसके बाद मतलब एक पैराग्राफ आपने लिखा उसके बाद लीव वन लाइन और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू करो फाइन चलो ओके okay. यार अलग 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 क्वेश्चन मत पूछो लास्ट में थोड़ा सा मैं से ये सब पूछ लेना अगर कुछ अलग स्पेसिफिकली पूछ रहे हो तो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सेशन सो हियर वी बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हम लोग सब लोग साथ में एक ही क्वेश्चन है विच इज ऑब्वियसली रेलिवेंट फॉर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू तो सारे के सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं सब के सब अपनी कॉपी और पेन खोल ले और मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ ब्यूटिफुल आंसर ठीक है सिंपल लैंग्वेज में बिकॉज इफ यू लुक एट द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर तो आप लोग क्या हो सकते हो कभी कभी डिप्रेस भी हो सकते हो बिकॉज इंस्टीट्यूट तो क्या करेगा आपसे रूल सब रूल और सब चीजें बता देगा एंड दैट दे एक्सपेक्ट कि हम वो भी लिखते हो. विच इज़ नॉट पॉसिबल है ना तो इंस्टीट्यूट का अगर हम सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो कभी कभी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है बट दैट हेज़ अ रीजन इंस्टीट्यूट इज नॉट एक्जैक्टली एक्सपेक्टिंग की यार ऐसा ही लिखो बट यार वो भी क्या करेंगे अगर उनको बताना है कि ये प्रोविजन कहाँ से आया तो देव टू तो स्पेसिफिकली स्टेट कि यहाँ से ये प्रोविजन आया है ताकि हम भी उसको आइडेंटिफाई कर पाए आप भी उसको पढ़ पाओ है ना तो वो वैसे ही आज नहीं हमेशा वो वैसे ही रहेगा दैट डजेंट मीन दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन सच अ मैनर एग्जाम में अगर आप प्रोविजन सही लिख के आओको तो नंबर मिलेंगे ओके okay? यस yes, बच्चे यू कैन कंक्लूड इन टू थ्री लाइन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल नाउ एवरी वन प्लीज रीड द क्वेश्चन और क्वेश्चन रीड करने के बाद जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है वो ये करना है लेट से आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन इसको हम लोग फोर मार्क्स का ले लेते हैं ठीक है फोर मार्क्स का क्वेश्चन ले लेते हैं सो समहाउ बी टू मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड टू मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट सो टू प्लस टू फोर दैट्स हाउ वी आर प्रूमिंग इट टू बी ठीक है हमने पढ़ा जस्ट रिकॉल क्विकली द पॉइंट रिलेटिंग टू ओपीसी ठीक है ओपीसी का क्वेश्चन है ओपीसी में एक बंदा है मिस्टर नवीन और उसकी एक सिस्टर है नावता जिसको उसने नॉमिनी बनाया था नवता इज लीविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब उससे पूछा गया है दैट्स वाई शी इज विदड्रॉइंग हर कंसेंट इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विदड्रॉ हर कंसेंट so now we have to quickly recall who can be a member of OPC, who can be the nominee of OPC, consent is required undoubtedly, do we need to withdraw the consent? I mean, कब वो nominee नहीं बन सकती है? तो ये सारे के सारे provisions आपको recall कर लेने हैं अपने mind में. Now if you remember the provisions, now it is the time to put it on paper. क्योंकि जो paper पे जाएगा, वही examiner को पता चलेगा, right? यस ऑफ़ कोर्स यू कैन बच्चे, ओके, सो आई विल एक्चुअली इरेज इट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे आंसर वन अब आंसर वन ही लिखेंगे बिकॉज देर आर टू पार्ट इन दैट ठीक है तो यहाँ पे आंसर वन ए मत लिखना समटाइम्स ये क्या होता है ना जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन ए एक अलग क्वेश्चन है और सेवन बी एक अलग क्वेश्चन है तब हम यहाँ पे क्या लिखते सेवन ए और सेवन बी यहाँ पे क्वेश्चन में दो पार्ट्स है सो द केस इज वन ओनली उसके दो सब पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं सो रादर वन आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आप ए लिखोगे ठीक है ए लिखोगे सपोजली समटाइम्स इट मे सो हैपन कि ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं बट द रिलेटेड प्रोविजन इज वन ओनली सो इफ द रिलेटेड प्रोविजन इज वन ओनली आप वो प्रोविजन पूरा लिख दोगे विदाउट राइटिंग ए और बी एंड देयर आफ्टर आप ए लिखोगे उसका कंक्लूजन बी लिखोगे उसका कंक्लूजन ओके सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद ए राइट सो हाउ आर वी गोइंग टू बिगिन विद इफ यू रिमेंबर द रूल नंबर ग्रेट इफ यू डोंट नॉट रिमेंबर द रूल नंबर नो प्रॉब्लम तो आप सिर्फ सेक्शन थ्री लिख सकते हो सेक्शन थ्री भी नहीं है तो कोई बात नहीं इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है मैं थोड़ा स्पेसिफिकली लिखूंगी बिकॉज आई एम केटरिंग टू एवरी सो इन अकॉर्डेंस कम ऑन एवरी आई होप यू ऑल आर राइटिंग विद मी इन अकॉर्डेंस विद Rule three of Companies Incorporation Incorporation Rules two thousand fourteen Only a Natural Person who is an indian citizen who is an indian citizen whether whether resident in india or not शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओ क्या ओपीसी लिख सकते हैं मैम हाँ लिख सकते हो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बिकॉज ओपीसी इज द शॉर्ट फॉर्म जो कंपनीज एक्ट हमें खुद बोलती है कि आप लिखो है ना हर कंपनी जो ओपीसी है उसके में ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होता है ना सो so आप लिख सकते हो ओपीसी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड शैल बी एलिजिबल टू बिकम अ नॉमिनी ऑफ पी सी ये क्या हुआ दिस इज द प्रोविजन दैट वॉज रिक्वायर्ड ठीक है अब इस प्रोविजन को इफ यू हैव इट इफ यू डोंट हैव ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा क्या आपको ऐसे पढ़ के आप एक बार में ऐसे पढ़ोगे तो एग्जामिनर को दिख रहा है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट ये एलिजिबल है तो वो क्या करेंगे ऐसे 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 उन्होंने देखा वॉट एवर रिक्वायरमेंट क्योंकि उनके सजेस्टेड में दिख रहा है ये लिखा होना चाहिए ये लिखा होना चाहिए ये लिखा होना चाहिए ये होना चाहिए तो उनको दिख गई सारी चीजें उन्होंने उत्तर मार्क्स दे दिया आपको स्टेप मार्किंग ठीक है सो दैट्स हाउ यू आर बींग एवॉइडेड मार्क्स राइट सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग कि हां ये हमारा क्वेश्चन है उसके बाद हमने क्या किया एक लाइन लीव कर दी एंड हेंस इट इज Not mandatory. Now we are concluding. Hence, it is not mandatory for Navita, or you can also write in view of the above stated provision. It is not mandatory for Navita to withdraw her nomination even though. She is leaving India permanently as a non resident, is eligible to be a nominee. Take स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्किन कितने लाइन्स लिखने चाहिए देखो बच्चे आई विल बी वेरी स्पेसिफिक सबको शायद हेल्प करे बट आई है फाइनल का एक क्वेश्चन देखा था विच वॉज ऑफ सेवन मार्क्स ठीक है और उस क्वेश्चन में पूछा गया था अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ मिनट ऑफ मीटिंग

Okay. In you don't need to your उससे रिलेटेड चीजें जितनी हमें लिखनी है वो सारी की सारी हम लिख देंगे थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना है या टाइम है तो चार नंबर के क्वेश्चन के लिए हम चार पेज नहीं भरने जाएंगे ठीक है सो ट इज अटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट बट दिस इज समथिंग टू मेक एट दैट मोमेंट ओनली क्योंकि हर क्वेश्चन अलग आएगा है ना तो आपको मैं बस गाइड कर सकती हूं मैं बता नहीं सकती इस क्वेश्चन में ये ही लिखो और ये मत लिखो हर क्वेश्चन अलग होगा ठीक है सो नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हाँ इतने लाइन्स तो होने ही होने चाहिए ठीक है बट कभी कभी ऐसा होता है जैसा मैंने आपको केस बताया इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक अ कॉल मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ये हमारा क्या हो गया ये हमारा ऑप्शन ए हो गया नाउ मूविंग टू ऑप्शन बी नवता विशेष टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी आफ्टर गोइंग एब्रॉड कैन शी डू सो अगेन इट इज ऑफ टू मार्क्स राइट सो हम बी पे चलते हैं कैन शी डू सो देखो एक चीज वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिफोर दैट अ नेचुरल पर्सन हुज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट और नॉट कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड कैन बिकम अ नॉमिनी आल्सो सो वी नीड नॉट रिपीट दिस वी नीड नॉट रिपीट दिस इसके साथ एक और पॉइंट आता है व्हिच इज नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओ पी सी वन ओ पी सी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेड पर्सन शैल नॉट बी और सेड पर्सन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा शैल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओ पी सी आई होप यू ऑल नो एंड रिमेंबर दिस प्रोविजन कि इफ़ आई एम अचुरल पर्सन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भाई मैं दो ओ पी सी की मेंबर नहीं हो सकती हूँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं दो ओ पी सी की नॉमिनी भी नहीं हो सकती हूँ बट वॉट इज अलाउड मैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इस ओ पी सी की मेम्बर और इस ओ पी सी की नॉमिनी हो सकती हूँ राइट ओके so from the above provision it is clear that the restriction is on being member of two OPCs or nominee of two OPCs at one point of time. But if Navita Navita forms an OPC, she will इवेंचुअली और यू डोन्ड टू राइट इवेंचुअली छोड़ देते हैं हम आपको थोड़ा टेक्निकल लग सकता है शी विल बी अ मेंबर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूं जैसे आप लोग लिखोगे शी विल बी अ मेंबर ऑफ ओ पी सी एंड नॉमिनी ऑफ एनअर ओ पी सी एंड नॉमिनी ऑफ एनअर ओ पी सी विच इज अलाउड Under law. Hence, she can incorporate an OPC. She is a natural person, she is an Indian citizen, she meets the criteria. If you have more time, of course, you can repeat your सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन वेरी 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 सिंपल लैंग्वेज ये मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही हूं जो बच्चे यूज करते हैं ठीक है और मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि इफ यू राइट इन दिस मैनर हंड्रेड परसेंट यूल बी एबल टू गेट मार्क्स ओके मैं आप अगर आपको लगता है कि मैं पेपर देने जाऊंगी और मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो ऐसा भी नहीं है ठीक है बिकॉज दिस इज अ पेपर वेयर यू गेट जेनरिक मार्क्स ओके इवन इफ आई एम रिप्रोड्यूसिंग द एंटायर लैंग्वेज ऑफ लॉ एज इट इज स्टिल यार आधा नंबर एक नंबर वो काट ही लेंगे ठीक है हाँ ठीक है सब फिर भी सात में से छह दे देते हैं दिस इज हाउ द एग्जामिनर आर रिवार्डिंग मार्क्स ओके सो डोंट भी डिसअपॉइंटेड अरे हमने इतना गलत लिखा क्या नहीं 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 ठीक है सो दैट इज वी से इट इज डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स बट इफ यू पुश यूर सेल्फ हार्ड एंड इफ यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन यू कैन हाँ एटी तो ला सकते हैं ठीक है चलो फाइन हा मैम के भी मार्क्स कटेंगे यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूं ओके फाइन सो आर वी गुड टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन अच्छा अब अब ना मैं थोड़े से आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ वाई बिकॉज वेन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट फॉर सी ए इंटर एज वेल एज सी ए फाउंडेशन इट इज रेलिवेंट फॉर सी एम ए इंटर एंड सी एम ए फाइनल सो मैं कुछ चीजें आपको और बता दू सो दैट द अदर स्टूडेंट्स इफ दे आर ह्योर दे कैन लीव है ना अच्छा तो क्या क्या आपके कन्फ्यूजन थे चलो आप सब पता नहीं कहाँ चले गए एम सी क्यू में जस्टिफिकेशन लिखना है या नहीं लिखना है आई विल ऑल्सो पुश टू डे इट्स सेल्फ योर सी एम ए फाइनल एम क्यू पी या एम टी पी आप जो बोलो उसमें भी मैंने आपको एक्जैक्टली exactly अच्छे से बताया वट शुड बी डन राइट सेकेंडली जो आप एल एल पी का पूछ रहे थे नो एल एल पी हैज़ टू हाँ वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था वो आंसर इंस्टीट्यूट में गलत लिखा था तो इंस्टेंटली आई मार्क दिस अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें आपके कॉमेंट में इट हैज बीन पिंड ठीक है सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देअर कि हाँ क्या सही आंसर है पूरा प्रोविजन रिकॉल नहीं होता प्लीज हेल्प सी द ओनली वे आउट आई वुड से जैसे आप मैराथन देख रहे हो सपोज एल यू आर ट्राइंग टू वॉच अ रिविजन वीडियो कि हाँ ये पर्टिकुलर चैप्टर आई वॉन्ट टू रिवाइज सेट विद पेपर एंड पेन ठीक है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भी इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग एनी वीडियो एंड ट्राइंग टू रिवाइज इट बाई ओन सेल्फ देन ऑल्सो सिट विद पेपर एंड पेन ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको लोग पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं एंड देर स्टूडेंट्स एक्चुअली सफर बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ स्क्रिबलिंग भाई क्या करना है अच्छा सेक्शन फिफ्टी टू यूज ये 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 आपने लिख लिया ठीक है सिर्फ आप क्या कर रहे हो यू आर स्क्रिबलिंग अलॉन्ग एंड ट्रस्ट में ये इतना ज्यादा हेल्प करता है कि आपको वो प्रोविजन याद रहेंगे ही रहेंगे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी बुक अगर 800 सौ पन्ने की है वी कैन नॉट फीड ऑल 800 हंड्रेड पेजेस इन आर माइंड इतनी पावर नहीं है हमारे पास वी हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो टू स्टडी भाई मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है मैं तो आराम से याद कर करके बैठी हूं है ना पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सो so, आपके पास ज्यादा लिमिटेशन है राइट right? तो आपको क्या करना होगा थोड़ा डिवाइड करना होगा कि वॉट आई शुड एक्चुअली लर्न मैंने सब समझ लिया बट दीज आर दिंग्स दैट आई मस्ट लर्न टू ग्रैप मार्क्स तो वो लर्निंग वाली चीज़ें यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ डू यू आईडेंटिफाई चार्ट बुक है आपके पास आपके पास हाईलाइटेड की वर्ड है क्लास में जब आपने पढ़ा है तब आपने चीजों को हाईलाइट किया जब आपने स्क्रिबल किया है तो आपने किया है तो जब आप रिपीटेडली यू आर डूइंग दिस विद मी एंड यू आर ऑल्सो राइटिंग आंसर्स ये दिक्कत ही नहीं आएगी हो जाएगा याद रोज सुबह उठो डिवोट टू आवर्स की हाँ दो आवर मुझे सिर्फ लॉ को क्रैम करना है ठीक है एग्री और नॉट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू अरे यार चार लिमिट दी हुई है तो उसको याद करना पड़ेगा ही ना ठीक है मैम प्रोविजन इज लाइक इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली नो वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज ओके दैट इज द प्रोविजन प्रोविजन हैज बीन इमेंडेड लॉन्ग बैक ठीक है मैम क्वेश्चन आंसर रीडिंग इज नेसेरी बिफोर राइटिंग ए फियर्स एंड कहाँ से पढ़ें क्यों एन ए मतलब आई डेंट गेट इट कहाँ से पढ़े मतलब जो आपका पेपर होगा मतलब रीडिंग करना मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको जरूरी है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू क्विकली हैव अ ग्लान्स एंड आइडेंटिफाई ओके ये टॉपिक मेरा एडवांटेज है या मेरा फोर्टे है सो दिस इज समथिंग दैट आई शुड पिक फर्स्ट ओके यस ये सीएमए फाइनल एमसीक्यू आई विल पुश इट टुडे डोंट वरी ओके चलो ंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप योर डाउट आर क्लियर विश शो ऑल द वेरी बेस्ट हाँ रेसिडेंट मीन्स वन ट्वेंटी डेज ठीक है बट इट्स नॉट रेलिवेंट ना उन्होंने रेसिडेंट को डिफाइन किया है बट दे हैव ऑल्सो स्टेटेड दैट इफ यूर नॉट रेसिडेंट देन ऑल्सो यू कैन फॉर्म इन ओपीसी इफ यूर नॉट अ रेसिडेंट देन बी अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी तो दैट इज इनरेलीवेंट ठीक है हाउ वेव द रेसिडेंट हैजीन डिटर्माइंड ठीक है वन ट्वेंटी डेज वन ट्वेंटी डेज चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माई डियर हां बाबा करेक्ट एल एल पी मैंने ऑलरेडी क्लैरिटी आपको दे दी एनुअल रिटर्न की सिक्सटी डेज सिक्सटी डेज ओके चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके So, here we come to the next question, which is relevant for now, my CMA inter and CMA final students. What is the question? ABC Limited has eight directors, and all the directors are absolutely occupied in the business of the company. However, suddenly, amidst all the pending work and task, Mr. Rahim, a director, resigned. Itana resigned just by sending in writing a letter informing the company his intention to resign from the post of director of the said company. The letter was received by the company on 15th July 24. The other directors refused to accept the same, alleging that it is in contravention of law. भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो हाउ केन यू समे जस्ट गेट अप एंड सेंड योर रेजिग्नेशन आपके पास पावर ही नहीं है टू रिजाइन ऐसा कुछ डायरेक्टर्स ने कहा इन व्यू ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन आंसर द फॉलोइंग देर आर थ्री क्वेश्चन विच आर बींग आज सी एम ए फाइनल में यूजली इसी टाइप की केस स्टडीज लेटली पूछी जा रही हैं सपोज द क्वेश्चन इज ऑफ सेवन मार्क्स तो आपसे सेवन पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे एंड वन मार्क फॉर ईच पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो ये सेवन मार्क का क्वेश्चन होता होते तो आपको यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड यू हैव टू राइट द कंक्लूजन स्टेटिंग द प्रोफेशन तो बहुत छोटा छोटा एक लाइन दो लाइन एक लाइन दो लाइन वैसे आपको लिखना होता बट आई एम टेकिंग अप दिस क्वेश्चन इन सच अ मैनर कि भाई लेट्स दिस इज ऑफ फाइव मार्क्स सो वन प्लस वन प्लस थ्री मार्क्स इसको हम इस तरीके से प्रिज्यूम कर रहे हैं ओके okay, तो पहला क्वेश्चन है कैन मिस्टर रहीम कम ऑन आंसर वन कैन ही डू सो कैन ही रिजाइन और ही कैन नॉट रिजाइन वॉट इज प्रोविजन कैन ही रिजाइन और ही कैन नॉट रिजाइन अब तक तो आंसर चार्ट में आ जाना चाहिए था आई यू एबल टू रिकॉल एंटायर प्रोविजन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर सेक्शन कौन सा है एटलीस्ट फाइनल के बच्चों को तो सेक्शन याद होना चाहिए इफ इंटर स्टूडेंट्स कैन नॉट रिकॉल आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दो इंटर नो भी बट बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यार आपके सीएम इंटर में भी डायरेक्टर चैप्टर से तो आपको भी याद होना चाहिए बट नहीं याद है कोई बात नहीं बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ यस यस ही कैन वॉट इज द सेक्शन नंबर हाउ आर बी गोइंग टू राइट आंसर टू ठीक है आंसर टू वेरी वेल डन सेक्शन नंबर वन सिक्सटी एट सक्षमिका प्रणित वर्मा वेरी वेल डन चलो ऑप्शन ए ठीक है सो हियर वी विल स्ट्रेट अवे क्योंकि यार एक नंबर अलॉट किया है इस पे अब यहां क्या पहले प्रोविजन लिखेंगे फिर कंक्लूजन लिखेंगे एक नंबर के लिए नहीं 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 सो वी विल स्ट्रेट अवे राइट यस A director, a director under section one sixty eight of Companies Act two thousand thirteen has been conferred the पावर टू रिजाइन बाय गिविंग अोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी बस आपने इतना लिखा शत प्रतिशत नाउ आई एम सेट हंड्रेड परसेंट यू आर गोइंट टू गेट वन मार्क ऑन दिस These type of questions are very, very scoring because will not number. Denge. Wo mein se aapko number de sakte. They can do the generic marking in the long questions, but if you have been asked case study questions and there are seven uh, questions which are asked and ca each carry one mark, you will get one on one. Okay? okay. Now we come to B part. What is B? If yes, when shall the above resignation be effective? अगर वो रिजाइन कर सकता है तो कब ये रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा वेन इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव सो यू नीड टू राइट द प्रोविजन ऑल्सो द रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट शैल टेक इफेक्ट वेरी गुड फ्रॉम द डेट On which notice or let me write it this way only on which notice is received by the company, by the company or द डेट स्पेसिफाइड इफ एनी कभी कभी होता है ना हम नोटिस में लिख देते हैं दैट आई एम गोइंग टू रिजाइन विद इफेक्ट फ्रॉम हमने उसमें दो महीने बाद की डेट दे दी इफ वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट की हाँ कम से कम दो महीने की नोटिस दे रहा तो हमने दो महीने बाद की डेट दे दी तो उस डेट से ठीक है और द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस विच एवर इज लेटर इन द गिवन केस इन द गिवन केस इफेक्टिव डेट शैल बी शैल बी क्या है हमारी डेट और कुछ तो हमें दिया हुआ नहीं है यह दिया है कि फिफ्टीन जुलाई को रिसीव हो गई थी सो वी विल सिंपली राइट फिफ्टींथ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर राइट चलो गुड नेक्स्ट सी पार्ट Now, C part is long. State the procedure of resignation by a director. It is going to carry three marks. So we will straight away begin. Procedure of resignation. Slug heading. De denge. Procedure of resignation. अंडर सेक्शन वन सिक्सटी एट ऑल दो वी हैव मैंशन द सेक्शन नंबर बिफोर बट स्टिल इतना सा लिखने में हमारा कुछ जाता नहीं है ना दिस एंटायर प्रोसीजर हैजू बी रिटर्न इन पॉइंट आप इसको क्या करोगे पॉइंट्स में ही लिखोगे फाइन ठीक है अब पॉइंट में आई वुड एडवाइज की ऐसे बुलेट्स ही लगा दो तो दैट इज बेटर सो अ डायरेक्टर में रिजाइन बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी तो यह पहली चीज हो गई दूसरी चीज बोर्ड शैल टेक नोट ऑफ द सेम ऑफ द सेम एंड इंटीमेट आर ओसी वो उसके बाद क्या करते हैं इंटीमेट आर ओसी इन प्रिस्क्राइब मैनर इन प्रिस्क्राइब मैनर इफ यू रिमेंबर द फॉर्म नंबर ग्रेट बट इंटर वाले बच्चों को इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है सो इट इज फाइन इन प्रिस्क्राइब मैनर नाउ बोर्ड को और क्या करना होता है शैल ऑल्सो ऑल्सो प्लेस द फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन इन बोर्ड रिपोर्ट इन बोर्ड्स रिपोर्ट इन फॉलोइंग या ठीक है बस इतना ही लिख देंगे हम लोग तो भी चलेगा ठीक है इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा नाउ द डायरेक्टर हिमसेल्फ बिकॉज ही इज रिजाइनिंग सो ही ऑल्सो हैज द पावर द डायरेक्टर में ऑल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन विद रीजन भाई हम क्यों रिजाइन कर रहे हैं हो सकता है कि कंपनी में कोई स्कैम हो रहा हो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं दैट इज वाई आई एम रिजाइनिंग सो विद रीज टू आर ओ सी विद इन थर्टी डेज अगेन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर वेरी वेल डन एंड लास्टली इतनी चीजें हमने लिख दी यू uh, आर ऑब्वियसली आई एम राइटिंग द आंसर इन जनरल इसलिए मैंने फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं आई इंसिस्ट किसी फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं इट इज एडवाइजेबल दैट यू इनकॉर्पोरेट दॉम नंबर ऑल्सो राइट न लास्ट थिंग द डायरेक्टर शैल बी लाइबल शैल बी लाइबल इवन आफ्टर रेजिग्नेशन इवन आफ्टर रेजिग्नेशन फॉर

बट वो लिखना नहीं चाहते हैं वेन दे कम टू दिस फेज ओके नाव मैम राइ लिखवा रही हैं अब मैम ऐसा कुछ नहीं बता रही है विच वी नीड टू नो तो ठीक है आप छोड़ देते हैं सुन लेते हैं प्लीज़ डोंट गेट इन टू दैट जोन इफ यू राइट यू कैन नॉट आई कीप ऑन सेंग यू कैन नॉट लर्न टू राइड अ साइकिल विदाउट एक्चुअली साइकिलिंग है ना आप स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक आप स्विम नहीं करते हो तो आप राइटिंग नहीं सीख सकते अनलेस एंड अनटिल यू राइट सो इफ यू हैव टाइम फॉर एग्जामिनेशन भाई अगर नहीं एग्जामिनेशन में टाइम है तब तो कुछ नहीं कर सकते फिर तो भगवान भरोसे छोड़ दो दीज आंसर राइटिंग टिप्स यू कीप इन माइंड बट इफ़ यू हैव टाइम इट इज माई एडवाइज देट एवरी डे यू मस्ट राइट एटलीस्ट वन आंसर एक आंसर लिखो या सपोजली यू हैव प्रिपरेशन टाइम ऑफ नाइन्टी डेज एंड यू हैव रिटन नाइन्टी आंसर्स कितने प्रो हो जाओगे देन यू नॉट नीड सच टाइप ऑफ सेशंस ठीक है दे न्यू माइ ट इवन टेलमी की हाँ मैम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ठीके? चलो यू आर राइटिंग विद मी दैट्स वेरी वेरी गुड चलो बहुत अच्छी बात है एंड ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू शेयर दिस पी डी एफ आई होप आई हैव टोल्ड यू इन मेजोरिटी ऑल द पॉइंट्स कुछ लास्ट में टिप्स वगैरह मैं वैसे तो देती ही रहूँगी ठीक है तो इन जनरल आई हैव टोल्ड यू द पॉइंट्स यू नीड टू नो विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग बाकी कीप प्रैक्टिसिंग कीप राइटिंग आई एम हेयर फॉर मोर सेशंस विद यू ऑल राइट एंड एम क्यू पीज़ भी मैं शेयर करने वाली हूँ एंड देर आफ्टर वी हैव टेस्ट लाइन अप सो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फुल सिलेबस टेस्ट ठीक है और जिसको भी टेस्ट की डेट्स नहीं पता है वी हैव एन अदर वीडियो शेड्यूल्ड तो आप वो देख सकते हो ठीक है एंड प्लीज़ कीप योर सेल्फ फ्री एंड कीप योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर फुल सिलेबस टेस्ट फॉर सी एम ए इंटर एज वेल एज सी एम ए फाइनल ठीक है चलो होप द सेशन वॉज यूजफुल एंड चलो आते रहना मिलते रहेंगे है ना चलो टिल देन टेक केयर कीप स्टडिंग अच्छे से ओके चलो बाय एवरी